दोस्तों आज का जो ये वीडियो है, ये आज का जो टॉपिक है, आप लोग अगर ये देखते हो बिना स्किप किए हुए, अगर पूरा वीडियो देखते हो तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आप लोगों के मन के अंदर जो भी डर है, कन्फ्यूजन है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, टाइटल और थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा आज का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर मानो लोन लिए हो, डिफॉल्ट कर गए हो और अगर आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो कि कंपनी आप लोगों के साथ कुछ भी नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है, ये बात 100% सच है कि कंपनी आप लोगों के साथ कुछ भी नहीं करेगा। आप लोगों को डिटेल वाइज समझाऊंगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, तभी आप लोगों को सही तरीके का जानकारी मिलेगा। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर मानो आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हो जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, चाहे कितना भी अमाउंट हो, 500 हो, 5000 हो, 10000 हो या फिर 2 लाख हो, 5 लाख हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना लोन लिए हो। लेकिन यहां पर आप लोगों के मन में ये सवाल होता है कि मैं तो डिफॉल्ट कर गया, अब ये कंपनी आप लोगों के साथ क्या करेगा, क्योंकि कंपनी आप लोगों को दिखाता है कि वो जो है लीगल स्टेप्स, लीगल एक्शन लेगा, लीगल कार्रवाई जो है आप लोगों के ऊपर करेगा। लेकिन ये जो चीज है, आप लोगों को समझना है कि जो भी लोन का कैटेगरी है, जो भी लोन प्रोवाइड कर रहा है आप लोगों को, ये आज का नया नहीं है, ये 2019 से सबसे ज़्यादा चलने लगा है, 2020 में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हुआ, ये पहले से ही था, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि भाई लोन इतना जल्दी मिलता है। क्योंकि अगर बैंक में जाते हो, लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो है लोन रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है चुटकी में लोन मिलेगा, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक सेल्फी डालो और आपको लोन मिल जाएगा 5 मिनट के अंदर, और मिल भी जाता है। और यही जो है आप लोगों को मुसीबत में डाल दिया यहाँ पर ये लोग, यहाँ पर आप लोगों को लालच दिखाया, आप लोगों को लगा कि हाँ चलो भाई लोन मिल रहा है, मेरा ये काम है, अभी बाकी है, मैं इसको कर लेता हूँ, ये पैसा दे के बाद में मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। लेकिन आप लोगों को पता थोड़ी था कि ये लोग जो है कितना ज़्यादा हैरेसमेंट करेगा जब आप चुका नहीं पाओगे, आप लोगों को पता नहीं था। लोन लेने के बाद उसके बाद का सिचुएशन किसके साथ क्या होता है वो किसी को नहीं पता होता, जो लोन लेके फंस चुका है उन्हीं को पता चला है कि हाँ भाई लोन लेने के बाद ऐसा ऐसा चीज़ें होता है। लेकिन लोन लेने से पहले मानो कि वो बंदा नया है, लोन कभी भी नहीं लिया है, उसको पता ही नहीं कि लोन के बारे में क्या होता है, लोन अगर मैं नहीं चुका पाऊंगा क्या हो सकता है एट द एंड तक। तो यहाँ पर उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है, आप लोगों के मन के अंदर डर है कि ये कंपनी आप लोगों के साथ कुछ करेगा, ऐसा थॉट्स है, या फिर कंपनी आप लोगों को ये बोल रहा है, ऐसा बोलने का भी कारण है क्योंकि कंपनी का पैसा जो है फंसा हुआ है मार्केट में, छोटा मोटा अमाउंट नहीं, करोड़ों रुपए फंसा हुआ है। आप अकेले 5000 लिए हो, लेकिन आपके जैसा लाखों करोड़ों लोग वही अमाउंट लेके बैठा हुआ है, पेमेंट नहीं कर पा रहे। आप लोग सोच सकते हो आपको अकेले धमकी दे रहा है, ऐसा सोच रहे हो आप लोग, लेकिन धमकी वो अकेले आपको नहीं दे रहा है, वो धमकी उस लाखों लोगों को एक साथ दे रहा है। लेकिन आपको पता थोड़ी है कि वो धमकी आपको दे रहा है या फिर आपके साथ और भी किसी को दे रहा है, ऐसा तो आपको पता नहीं चल रहा है। वो पता कहाँ चलेगा, वो आप लोगों को यहाँ पर पता चलेगा कि भाई आपके जैसा लाखों करोड़ों लोग जो है सेम तरीके से फंसा हुआ है, सेम तरीके का दिक्कत जो है झेलना पड़ रहा है उन लोगों को, और ये सब जो भी लोन कंपनी है वो परेशान कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि अगर मानो आप लोग लोन लिए हो, डिफॉल्ट कर गए हो, अगर आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसा ही नहीं है, कंपनी आपके साथ क्या करेगा, आप लोगों को क्या एंड तक क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को बता दूं कोई भी कंपनी आप लोगों के ऊपर लीगल एक्शन नहीं लेगा, ये मैं गारंटी के साथ आप लोगों को बता रहा हूं। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान से समझना है, कोई भी कंपनी किसी के साथ कुछ भी नहीं करता है, बस आप लोगों को डराएगा, धमकाएगा। लेकिन हाँ, अगर मानो आपने लोन लिया है, पेमेंट आप लोगों को करना ही पड़ेगा क्योंकि ये NBFC है, RBI से रजिस्टर्ड है, आप लोगों को पैसा दे रहा है मुसीबत में, आप लोगों को मुसीबत में हेल्प कर रहा है, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि टाइमली जो है आप उनका पेमेंट कर दो। इससे क्या होगा, आपका सिविल भी सही रहेगा, आपको इन फ्यूचर लोन जो है और ज़्यादा से ज़्यादा मिल भी सकता है। लेकिन मानो आप लोगों के पास पैसा ही ना हो, तब क्या करें, टाइम चाहिए अगर, तो टाइम आप लोगों को खुद से लेना पड़ेगा, कंपनी को अगर पूछोगे तो वो लोग टाइम नहीं देगा, उल्टा आप लोगों का हैरेसमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। तो आप लोगों को किसी को बोलना भी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जितना बोलोगे उतना ज़्यादा हैरेसमेंट आपको झेलना पड़ेगा, तो आप लोगों को बोलना क्यों है। सिंपल सी बात है, अगर आपको टाइम की ज़रूरत है तो खुद से टाइम लो, सिर्फ फ़ोन को इग्नोर करना पड़ेगा, जो भी कॉल्स आए इग्नोर करना पड़ेगा। फ़ोन उठाओगे, एजेंट का प्रेशर रहता है, भाई तुम पैसा लेके आओ जैसे तैसे करके। फ़ोन उठाओगे, अगर आप एक एजेंट को बता दिया कि भाई मेरे को टाइम चाहिए, मैं पेमेंट कर दूंगा, वो एजेंट सुन लिया, लिख लिया, बाद में जो भी एजेंट कॉल करेगा वो दूसरा एजेंट कॉल करेगा, वो फिर से आप लोगों को वही सवाल पूछेगा, इससे आप ही लोगों को हैरेसमेंट होगा।
बेफालतू में उन लोगों से बात करने से क्या फ़ायदा। यहाँ पर आप लोगों को अपना खुद का सोचना है, खुद का सुनना है, काम करते जाना है। जब आपके पास पैसा होगा आपको रिपेमेंट कर देना है। ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में रख लो ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ पर मानो आप लोगों के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है तो आप लोगों के साथ क्या हो सकता है। अगर पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, मतलब एकदम नहीं है बैलेंस, मेरे पास आएगा भी नहीं इन फ्यूचर, ऐसा आप लोग सोचते हो, मेरे कमेंट में बताते भी हो, तो आपका सिबिल ही डाउन होगा। इन फ्यूचर आपको लोन नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ डराता जाएगा, आप लोगों को लीगल नोटिस पे लीगल नोटिस भेजता जाएगा। आप लोगों को क्या पता है, अभी एक मेरा दोस्त है, सब्सक्राइबर दोस्त, उनके पास लगभग 102 लीगल नोटिस आ चुका है। 102 कितने दिनों में पता है? 3 से 4 साल हो चुका है लीगल नोटिस आ गया। अब तीन साल निकल चुका है, लीगल कार्रवाई तो हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ डराने का कोशिश करते हैं। आप लोग सोच सकते हो 3 साल के अंदर 102 नोटिस घर पे आ चुका है, तो आप लोग यहाँ पर डरते क्यों हो? अगर लीगल नोटिस भेज के आपके ऊपर केस करना ही होता तो एक लीगल नोटिस भेजता और आपके ऊपर केस कर देता, ठीक है? तो यहाँ पर डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर मानो आप लोग डर रहे हो तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के मन के अंदर डर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितना डरोगे उतना वो लोग डराएगा। आप लोगों को डर जो है वो खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग इससे निकल नहीं पाओगे। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को सही तरीके का जानकारी मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।